विधानसभा स्पीकर का क्या कहना है अब पूरे मामले पर? एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने आज तक से खास बातचीत की है, बड़ा खुलासा किया है। वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का यह दावा है कि 2.5 साल पहले मुझे बड़ा ऑफर दिया गया था। अनिल देशमुख का ये कहना है कि ऑफर मान लेता तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। पूर्व गृह मंत्री है ये, महाराष्ट्र के, और महाअघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की थी। मुझे ऑफर दिया गया था कि अगर बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। सुनिए क्या कह रहे हैं। आपने भी एक बार बोला था कि अगर आप समझौता कर लेते, वर्धा में कोई स्टेटमेंट किया था, तो शायद आपको 14 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। तो कौन समझौता करने के लिए आपके पास आया था? कौन लोग थे जो आए थे और उन्होंने क्या बताया था कि किस प्रकार का समझौता करना था आपको? मैं आज भी उसको दोहराना चाहता हूँ। मैंने 3-4 महीने स्टेटमेंट दिया था कि मैं 2.5 साल पहले समझौता करता तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ता था। मैं समझौता नहीं किया करके मुझे जेल में जाना पड़ा। अब ये समझौता का प्रस्ताव क्या था, किसके तरफ से आया था, आप समझते हैं कि विरोधी पार्टी जो भी है उनका प्रस्ताव मेरे पास आया था। और क्या था वो प्रस्ताव? वो प्रस्ताव के बारे में समझौता करता तो 2.5 साल पहले हमारी सरकार गिर जाती थी। सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रस्ताव था? मैं बोला ना कि वो प्रस्ताव में मंजूर करता तो 2.5 साल पहले हमारी सरकार गिर जाती थी। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं आज तक, पर अभी बात करते वक्त कि ये सरकार उसी समय गिर जाती अगर आप वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, तो किस प्रकार का था वो प्रस्ताव? वो सभी को, हमारे नेताओं को मालूम है सबको। अच्छा, आपने उस पर बात की पार्टी? हाँ, सब नेताओं को मालूम है। और उसके बाद क्या हुआ? मैंने ठुकरा दिया प्रस्ताव। मैं बोला जो भी सजाऊंगी, जो भी मुझे भुगतना पड़े भुगतूंगा, लेकिन ऐसा झूठा इल्जाम या झूठा एफिडेविट में नहीं करूंगा। किसी के खिलाफ एफिडेविट करने की बात हुई थी? बहुत बड़ा खुलासा किया है देशमुख साहब आपने भी। मैं जो बोल रहा हूँ हकीकत है।